Assalamualaikum student, my name is Tamul Mehdi. आज हम discuss करेंगे class 4 की exercise number 1B का page number 10 और 11 पे हमारे पास word problem है. उनको हमने आज discuss करना है. तो उसका question number 1 है. Question number 1 हम read कर लेते हैं. पहले book पे जरा आप देखिएगा. Book पे जो question number 1 है वो है a factory made 64,750 jute bags on Monday and 51,060 more on Tuesday. And how many bags were made all together? तो अब हमने find करना है कि जो Monday bag हमारे पास bags made on Monday हमारे पास 64,750 बने और bags made on Tuesday 51,060 बने. तो हमने क्या find करना है? Total bags find करने. याद रखिएगा, जब total की बात है या all together की बात है तो हमने क्या करना है? हम दोनों values को add कर देना, subtract नहीं करना, हमने add करना है. तो आप देखिए, आपने फर्स्ट बैग की वैल्यू लिखी और नीचे क्या लिखी आपने? सेकंड बैग की वैल्यू. तो अब क्या होगा कि आपने अगेन यूनिट से स्टार्ट करना है. जीरो में जीरो ऐड करें तो जीरो आता है, आपने आंसर में जीरो लिखा. फाइव प्लस सिक्स हमारे पास इलेवन आता है, डबल नंबर आया. फर्स्ट नंबर आपने आंसर में लिखा, नेक्स्ट आपने कैरी कर दिया. वन प्लस सेवन प्लस जीरो मीन एट. फाइव प्लस वन सॉरी फोर प्लस वन फाइव आता है और सिक्स प्लस फाइव हमारे पास डबल नंबर आते हैं, लेकिन नेक्स्ट कोई हमारे पास नंबर नहीं है तो हम 11 ही लिख देंगे एज इट इज, जैसे हमारे पास आंसर आएगा. तो हमारे पास आपके टोटल बैग्स बने हैं ऑल टुगेदर, वो कितने बने हैं? 115,810 हमारे पास टोटल बैग्स बने हैं. तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू है. क्वेश्चन नंबर टू की अभी हम स्टेटमेंट जो है वो रीड करते हैं. इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गेट 150,720 votes and Mrs. Abid get 158,986 votes. Who get more votes and how many more? तो अब देखिए, votes of Mr. Kamal हमारे पास कितने हैं? 156,720 और votes of Mrs. Abid जो हैं वो कितने हैं? 158,986. तो पहले तो हमने find करना है कि किसने ज्यादा वोट लिए. तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने से ही पता चल रहा है कि मिसेज आबिद के क्या है, ज्यादा वोट हैं. तो हम कह देंगे कि मिसेज आबिद ने क्या लिए, ज्यादा वोट लिए हैं. इसी तरह अब उन्होंने कहा है कि किसने ज्यादा लिए हैं या कितने ज्यादा लिए हैं. तो याद रखिएगा, जब इस तरह की हमने वैल्यूज आए हमारे पास तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर नंबर को लेस नंबर से क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं करते. तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 158,000 थी तो हमने ऊपर वाली ये वैल्यू लिख दी और नीचे लेस देन वैल्यू लिख दी. तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें सिक्स में से जीरो गया तो सिक्स में रह गया, एट में से टू गया तो हमारे पास सिक्स रह जाता है और नाइन में से सेवन जाता है तो टू रह जाता है और एट में से सिक्स जाता है तो टू रह जाता है, फाइव में से फाइव जीरो, वन में से वन जीरो. तो हम उन जो अब उन्होंने जो मिसेज आप इतने ज्यादा वोट लिए हैं वो कितने लिए हैं? 2,266 वोट लिए हैं. तो ये आपका आंसर है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो फोर है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सॉरी पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो क्वेश्चन नंबर थ्री है. लाइब्रेरी हैज 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स? तो अब जो बुक्स ऑफ इंग्लिश लाइब्रेरी के अंदर है वो कितनी है? 46,918 और बुक्स ऑफ उर्दू कितनी है हमारे पास? 108,625. तो हमने टोटल नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम टोटल की बात करते हैं तो हम दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं. तो 8 प्लस 5 हमारे पास 13 आता है. तो 13 का फर्स्ट नंबर हम आंसर में लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर कैरी कर देंगे. 1 प्लस 1 2 4 आता है हमारे पास. इसी तरह 9 प्लस 5 15 आता है. 15 का फर्स्ट नंबर आंसर में लिखेंगे, नेक्स्ट कैरी कर देंगे. तो 7 और 8 हमारे पास अगेन 15 आता है तो नेक्स्ट नंबर कैरी कर देंगे. तो 1 प्लस 4 हमारे पास 5 और 1 एज इट इज आता है. तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो होंगे 155,544. तो अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर है वो क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है कि अ शॉपकीपर अर्न आरएस 170,920 इन वन ईयर. उसने वन ईयर में 170,920 जो है हमारे पास उन्होंने अर्न किए एक साल के अंदर. और इन इफ हिज एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर, अगर वो कहते हैं उसी साल वो ये
इतनी पैसे खर्च कर देता है और वो पैसे कितने 129,486। तो वो कहता है कि आप फाइंड करें कि उसने कितनी मनी जो है वो सेव की है। तो याद रखिएगा, सेव का मतलब है कि आपने टोटल में से जितने उसने एक्सपेंस किए हैं वो माइनस कर देने हैं। तो आप ग्रेटर वैल्यू जब भी माइनस करते हैं ग्रेटर वैल्यू ऊपर रखते हैं, तो ग्रेटर वैल्यू मैंने ऊपर रखी और जो लेस देन वैल्यू उसको नीचे रखा। तो जीरो, ये जीरो मीन लेस देन वैल्यू है, तो आप वन कैरी लेंगे तो ये टेन बन जाएगा। टेन माइनस सिक्स क्या होता है, फोर होता है। इसी तरह ये इलेवन वन था, अगेन हमारे पास जो है वो लेस देन वैल्यू आ जाती है तो इलेवन बन जाता है। इलेवन माइनस एट थ्री आता है। इसी तरह एट, यहाँ पे एट रह जाता है, एट माइनस फोर फोर आता है और ये अगेन टेन बन जाएगा तो टेन माइनस ये वन आता है और ये सिक्स माइनस टू हमारे पास क्या आता है, फोर आता है। तो अब जो उसने मनी टोटल सेव किया वो 41,434 है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।